बिजनेस व्हाट्सएप में पर्सनल व्हाट्सएप से ज्यादा फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसमें आप ऑटो रिप्लाई ऐड कर सकते हैं, कैटलॉग ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बिजनेस व्हाट्सएप कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप की तरह इसमें भी एक मोबाइल नंबर डालकर अकाउंट क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ अपने बिजनेस का नाम डालेंगे। सभी यूजर्स को यही बिजनेस नेम शो होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ईशान गुरु। नीचे यहाँ पर आप कैटेगरी चूज कर लेंगे कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। सभी कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मोर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन और बिजनेस एड्रेस डालने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे, अपने बिजनेस के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अपने बिजनेस का लोगो या कोई भी प्रोफाइल इमेज ऐड करेंगे। पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा, जिसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको बिजनेस टूल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा बिजनेस प्रोफाइल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने बिजनेस का नेम, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, बिजनेस की लोकेशन और बिजनेस की कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, और बाद में कभी भी आप यहां पेंसिल पर क्लिक करके इनको एडिट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कैटलॉग, यहां से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कैटलॉग बना सकते हैं, जिसके लिए आप ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे। ऐड इमेजेस पर क्लिक करके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के फोटोज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एक फोटो क्लिक कर लिया है, ओके करेंगे। अगर आप चाहें तो और भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यहां पर आप आइटम का नेम डालेंगे, कोई भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का नाम यहां पर डाल दीजिए। नीचे आप यहां पर प्राइस डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। मोर फील्ड्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी फील्ड्स मिल जाएंगी, जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कोई लिंक डाल सकते हैं और आप आइटम का कोड भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी कैटलॉग तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कैटलॉग आ गई है, अभी ये पेंडिंग है, जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो ये पब्लिक के लिए लाइव हो जाएगी और कोई भी आपके व्हाट्सएप कैटलॉग में इसको देख सकता है। इसी तरीके से आप यहाँ और भी कैटलॉग ऐड कर सकते हैं, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आप यहां इमेज ऐड करेंगे, इमेज आप डायरेक्ट कैमरा से या गैलरी से ले सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम और प्राइस डालेंगे, मोर फील्ड्स पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन और लिंक और आइटम कोड भी डाल सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। देखिए यहां पर ये कैटलॉग भी ऐड हो गई है और पहली वाली कैटलॉग हमारी अप्रूव हो गई है, तो अब ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है, कोई भी हमारे व्हाट्सएप पर इस कैटलॉग को देख सकता है। देखिए यहाँ पर दूसरी कैटलॉग भी अप्रूव हो गई है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप जितने चाहे उतने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कैटलॉग बना सकते हैं, जो कि आपके प्रोफाइल पर शो होगी। इसके बाद है अवे मैसेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक ऑटोमेटिक रिप्लाई ऐड कर सकते हैं, इसको आप इनेबल कर दीजिए। जो भी आप ऑटोमेटिक मैसेज रखना चाहते हैं वो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके ऐड करेंगे। यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं, ऑलवेज सेंड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा ये मैसेज सेव होगा जब भी कोई आपको कोई SMS करेगा। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि सबको ये मैसेज सेंड करना है या सिर्फ उन लोगों को जो आपके एड्रेस बुक में नहीं है। सेव पर क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। जब भी कोई आपको SMS सेंड करेगा तो ऑटोमेटिक उसको ये रिप्लाई चला जाएगा। एक है यहाँ पर ग्रीटिंग मैसेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ग्रीटिंग मैसेज ऐड कर सकते हैं, इसको आप इनेबल कर दीजिए। कोई भी पर्सन जब आपको पहली बार मैसेज करेगा तो उसको ये SMS सेंड होगा, जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली उसके पास रिप्लाई हो जाएगा। सेव। क्विक रिप्लाईज में आप यहां से क्विक रिप्लाईज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई थैंक्स लिखेगा तो उसको ऑटोमेटिकली ये मैसेज सेंड हो जाएगा। आप प्लस आइकन पर क्लिक करके इसी तरीके के और भी यहां पर मैसेज ऐड कर सकते हैं कि जब भी कोई आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड लिख करके भेजे तो ये मैसेज ऑटोमेटिक उसको सेंड हो जाए। इसके बाद है शॉर्ट लिंक, इस पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल का लिंक शेयर कर सकते हैं। कोई भी इस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसके व्हाट्सएप में आपका प्रोफाइल शो होगा और वो डायरेक्ट आपका नंबर सेव किए बिना आपको मैसेज कर सकता है। व्यू QR कोड पर क्लिक करके आप अपना QR कोड देख सकते हैं, यह आपका QR कोड है। कोई भी इसको स्कैन करके डायरेक्ट आपको मैसेज सेंड कर सकता है बिना आपका नंबर सेव किए। यहां से आप अपने कोड को शेयर कर सकते हैं। किसी दूसरे का कोड स्कैन करने के लिए आप यहां स्कैन कोड पर क्लिक करेंगे और यहां से आप किसी और का कोड स्कैन करके डायरेक्ट उसके प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपको यहां पर वो सब ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि पर्सनल व्हाट्सएप में यूज किए जाते हैं, लेकिन बिजनेस टूल एक ऐसा फीचर है जो कि आपको पर्सनल व्हाट्सएप में नहीं मिलता है
और यहाँ से आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। जब भी कोई आपके प्रोफाइल को देखेगा तो इस तरीके से उसको कैटलॉग शो होंगे। सी ऑल पर क्लिक करके वो आपके सभी कैटलॉग्स को देख सकता है और उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आपको मैसेज कर सकता है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।